गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हॉरिजॉन। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ठीक है। और इसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज के थ्रू करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से ले रहा हूँ बताइए? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं सबके। किस एग्जाम्पल, ठीक है ना? ये सभी क्वेश्चन किसके हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज। अच्छा, आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में क्या क्या आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना हमेशा। फिजिकल चेंज जैसे बॉयलिंग की बात करें, मेल्टिंग की बात करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर जब भी अगर ये सारे टर्म्स अगर कहीं इस्तेमाल किए गए तो आप याद रखना ये सभी के सभी क्या हैं? आपके फिजिकल चेंज। लेकिन अगर कहीं कंबशन की बात की जाए, कंबशन बर्निंग है ना, ये सब अगर कहीं पे बात की जाए तो आप समझना कि ये सब क्या है? ये है सब केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अकर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए, आप यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज में सबसे पहला देखो, मैंने क्या बोला था? फिजिकल चेंज नहीं है तो कौन कौन सी, देखो मैंने अभी जो टर्म्स बताए उससे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये देखिए, बॉयलिंग फिजिकल चेंज, मेल्टिंग फिजिकल चेंज, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी क्या मतलब? सॉल्युबिलिटी का मतलब भी यही होता है, हिंदी में बोले तो घुलनशीलता। तो डिसोल्यूशन सॉल्ट का वाटर में घुलना, ये भी क्या है? ये भी फिजिकल है, लेकिन ये खत्म हो गया। तो आपके पास आंसर कौन सा हुआ? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? कंबर्शन ऑफ पेट्रोलियम गैस, दिस इज केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये हुआ आपका केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ, सॉरी, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है ये, क्वेश्चन नंबर टू सेम रिपीट हो गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका टू है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ 4NH3, सबसे पहली चीज यहाँ पे रिएक्शन देखिए आप क्या है। 4NH3 प्लस 5O2, ये क्या रिएक्शन करके बना रहा है क्या? 5 4NO प्लस 6H2O, ये आपसे बना है। तो आप जरा देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि आपको चार स्टेटमेंट दिया है कि इनमें से कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में सिमिलर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था? डिकम्पोजिशन। अगर कोई सिंगल कंपोजिशन में है ऐसे, तो हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, यूवी रे और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब टूटता है तो ये कितने पार्ट में बंटता है? दो या दो से अधिक में बट गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या? ये हो गया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ये हो गया आपका क्या? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और अगर तीसरी की बात करें, कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तीसरा टाइप क्या आपको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान लो कोई ए बी है और प्लस सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मैं बोलूं कि ए ए जो है हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव है, और सी डी, तो ए जो है सी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए क्या करेगा? डी डी को रिप्लेस कर देगा और सी बी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो ऐसे रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन बोथ आर अकर टुगेदर। रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज
और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन डिक्रीज और हाइड्रोजन इंक्रीज। तो आइए ज़रा देखते हैं, अब रिएक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर मैं देखूँ नाइट्रोजन के पास, पहली चीज़ कि ये देख रही है आप कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ आए नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में इधर सिंगल प्रोडक्ट बनता, तो कॉम्बिनेशन इज़ नॉट ट्रू। रिडॉक्स रिएक्शन में चेक करना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चेक करते हैं? प्रोडक्ट से। तो अगर नाइट्रोजन है तो इस साइड भी आप आ जाइए नाइट्रोजन के पास, देखिए। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर जहाँ पे बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बोथ आर अकर टुगेदर ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये करेक्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा तब जाके न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्टर तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेस है ही नहीं कोई, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है गैस में। तो यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट है, जिसमें 1 और 3 होगा वही आंसर करेगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट में आइए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि फॉर द स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, आपको एक रिएक्शन दे रखा है, कौन सा रिएक्शन है ये, 3FeS, देखिए 3FeS, फिर 4H2O से मिल गया, तो ना क्या Fe3O4 और H2 गैस निकला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। देखिए ये सब 2 बार लिखा गया है, ये पहला लिखा है कि आयरन आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। देखिए आप आयरन मेटल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ गया है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे, देखिए आप यहाँ, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 3FeS सॉलिड में है प्लस 4H2O, और ये रिएक्शन करके क्या बनता है, Fe3O4 और प्लस 4H2 गैस, ये बन गया। अब जरा देखिए यहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे नहीं था इसके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका क्या हुआ, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कि वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या यहाँ पे वाटर दिख रहा है बताइए, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल। यहाँ देखिए वाटर के पास क्या था, पहले ध्यान से देखिएगा, वाटर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन गायब है, डैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो रिडक्शन हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, 1, 2 भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिसका रिडक्शन होगा वो उसका वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे वाटर किस तरीके का बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसमें लिखा है कि वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑप्शन 4, यानी कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं इसी इक्वेशन से समझा देता हूँ, Fe3Fe+2H2O, H2O रिएक्शन करेगा Fe3O4, और यहाँ पे हो गया 4H2। तो मैं एक रिएक्शन देखो यहाँ से ज़रा देखना, ये देखो अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये बातें इतनी बातें क्लियर होगी, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये किस तरीके का बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो बनेगा क्या, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट Ra, जिसका रिडक्शन हुआ है वो बनेगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बातें सबको क्लियर होगी, ये कहाँ पे देख रहे, रिड्यूसिंग, ये आपका
पूरा ओवरऑल कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तीन चीज़ें समझ में आएगी, जब दोनों रिएक्शन एक साथ अगर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए बताइए जरा इसका आंसर। बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ठीक है। दूसरा है कि अगर क्विक लाइम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या हुआ, रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर इज रिएक्ट विद क्विक लाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, नेक्स्ट क्या है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो पहला देखो, अगर कभी भी रिएक्शन होगा, क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो हीट रिड्यूस करेगा, जैसे CaO क्विक लाइम है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। पानी में डालते ही वो क्या देता है, बुलबुले देने लगता है, हीटिंग ठीक है ना, थोड़ा सा वहाँ पे हीट रिड्यूस करता है। तो जहाँ से याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है किसको, कि ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज होता है। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, ड्यूरिंग रिएक्शन हीट रिलीज होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा बताओ, हीट रिलीज होता है। तो याद रखना कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, यहीं पे इसी का उल्टा एक होता है क्या, एंडो एंडोथर्मिक थर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है बताइए, हीट क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे बोल रहा है पहला क्या है, कि पहला एक्सोथर्मिक है क्योंकि क्विक लाइम को पानी में डालते हैं हीट रिलीज करता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, दिस इज रॉन्ग, डाइल्यूशन ऑफ एसिड नहीं होगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो, डाइल्यूट करेंगे तो उसमें हमें कुछ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है, हीट होता है ना, एसिड क्या होता है उसमें, उसके पास हीट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बताओ, हीट रिलीज करेगा ना, ठीक है, हीट रिलीज करेगा, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, बोथ डाइल्यूशन ऑफ एसिड और वो एक्विक लाइम, दोनों के दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक। इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये नहीं है, ये नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि सबलिमेशन ऑफ कम्फर्ट, कैम्फर तो डायरेक्ट उड़ जाता है हीट पाते ही, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिलीज नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बताओ, ऑप्शन 1 एंड 2, कौन सा है 1 और 2, ऑप्शन नंबर B, 1 और 2 कौन सा करेक्ट है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर A, सॉरी 1 और 2 ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रहेगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग रिएक्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यार डाइल्यूट फेरस सल्फेट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, द लाइट इज पर्पल, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड फाइनली डिसअपियर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पर मैंगनेट क्या होता है ना, यह है पर मैंगनेट, MnO4, ये क्या है मैंगनेट, पर मैंगनेट, ठीक है ना, और इसमें पोटेशियम अगर परमैंगनेट आयन है ना, तो मैं इसको अगर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, ठीक है ना, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट। और आपको मैं बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक इन नेचर होता है, और बेसिक इन नेचर है इसका मतलब अगर पोटेशियम के साथ मिल गया तो ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। इस पहले इसके दो इन्फॉर्मेशन याद रखना, हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट,
ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और बता देता हूँ आपको, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो गई तो के टू सी आर टू ओ सेवन, तो दो आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है बताइए? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको लिख लेना क्योंकि मैं रफ करूँगा। पोटेशियम सीएम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर हमें डिजॉल्व कर दूँ तो कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो, पहली चीज, पहला ही ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, तो ये याद रखना इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज MnO2 नहीं होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा चीज़ कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये पर्पल कलर का हो जाता है, तो ये क्या, धीरे धीरे रंग उसका क्या हो जाएगा, सल्फेट का, फेरस सल्फेट का फेड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे नंबरिंग 7 है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा चलिए, यहाँ पे अब पहले तो आपको मैं, जैसे ही इन्होंने बोला मुझे कि ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। डैट रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, ओके याद रखना, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन, सबसे पहली चीज आपको देखना है कि कौन सा आयन एक्सचेंज कर रहा है। अच्छा, पहला वाला, अगर मैं पहले की बात करूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेड है, लेड अकेला लेड है, यहाँ पे कोई निगेटिव आयन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी इससे एक्सचेंज करने वाला नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है? पहले वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। दूसरे वाले रिएक्शन सेकेंड इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास निगेटिव पॉजिटिव आयन है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, पहला दूसरा करेक्ट है। तीसरे वाला भी कौन सा है? तीसरा वाला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, याद रखना तीसरा, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल कंपोनेंट बन, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, इसलिए तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो CH4O2, तो आप देख पा रहे हो आप कौन सा हो सकता है बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए CH4 और 2O2 मिल करके आपको क्या कर रहे हैं, CO2 और H2O बन रहे हैं, ठीक है ना, क्या बन रहे हैं, CO2 और H2O, तो एक्सचेंज कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी आपका एक्सचेंज हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें और कोई ऑप्शन है क्या, देखना जरा, ओनली टू, हाँ बिल्कुल, तो ये आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और आप देख पा रहे हो आपके पास, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, सिर्फ दो, दो नंबर वाला कौन सा है, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ओनली टू इज़ योर राइट आंसर, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली टू, टू ओनली, ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सबसे जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आप बता, देखो मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था अभी पहले स्लाइड में, आप देख लेना, डिकम्पोजिशन की बात किया था, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लाइट के प्रेजेंस में, आपको मैं बता देता हूँ कि लाइट के प्रेजेंस में जो होता है, और कौन सी लाइट, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन होता है, डिकम्पोज हो रहा है ना, तो मान लिया मैंने कि कोई ए बी एक सब्सटेंस है, ये टूट गया किसमें, ए प्लस और बी माइनस में टूट गया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? दूसरी चीज़
इसकी एग्जांपल आप याद रखना, एनसीईआरटी का सबसे बेसिक एग्जांपल एजीबीआर। अब ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, एजी प्लस और प्लस Br2, वहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिखा है, बैलेंस करने के बाद क्या हो जाएगा ये टू। और आपको पता होगा कि Ag लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पे मैं अगर Br की जगह पे क्या रख दिया, क्लोरीन, तो यहाँ पे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बताइए जल्दी से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लो रिएक्टिव एलिमेंट और डिकम्पोजिशन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जिस रिएक्शन में, जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, स्प्लिट इनटू टू प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फोटोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, तो आप बताइए पहला है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर डिकम्पोज बाय द सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कहने का मतलब ये है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2, AgCl ये ब्रेक हो जाएगा, तो Ag प्लस और Cl2, अब बैलेंस कर लो इसको, तो 2 आगे लगा दोगे तो यहाँ भी 2 लगा देना, तो ये ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, लाइट के प्रेजेंस में हुआ, तो दिस आंसर इज करेक्ट। इसके बाद तो देखने की ज़रूरत है, सब्लिमेशन हो ही नहीं सकता। सब्लिमेशन क्या होता है, ज़्यादा हीट करने पे वो क्या वेपर बन जाता है, क्योंकि वो आयन फॉर्म में। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड क्लोरीन, ये उल्टा है, गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, नहीं, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, एक बार क्वेश्चन को देखिए और कौन सा आंसर करेक्ट है ये इसका आंसर बताइए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर सोडियम क्ले बोल रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा बोल रहा है मैं वैसा लिखता जा रहा हूँ। पहला क्या बोला है उन्होंने, पहले उन्होंने बोला है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, वो भी वेरियसली, मतलब बहुत तेज़ी से, फास्ट, ठीक है ना, फास्ट रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो मैं एक लिखता हूँ CaO, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है ना। और ये वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा, तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये क्या बन जाएगा बताओ, CaOH2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैक्ड लाइम। और क्या रिलीज हो जाएगा बताओ, CaOH2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, और बोल रहा है क्या, सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर। अच्छा, इसके बाद वाटर जो है इसे हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करेक्ट है पहले ये देखते हैं। पहले बोल रहा है इसके साथ एनर्जी या हीट रिलीज भी होगा, इसके साथ क्या होगा, हीट भी रिलीज होगा साथ में, क्योंकि पानी में जैसे ही डालोगे चूने को, ये एक तरह से चूने, क्विक लाइम क्या है, चूने की तरह होता है बिल्कुल, उसको अगर पानी में डालोगे तो वो हीट रिलीज करेगा। तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, सबसे पहले एंडोथर्मिक तो होगा नहीं, जो हीट, ये एंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सोथर्मिक इज करेक्ट। फिर बोल रहा है कि अगर मान लो ये, अच्छा ये बताइए, ये जहाँ पे आपको OH आयन दिख जाए, आप समझना वो बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। मैं आपको बता दूँ कुछ पॉइंट्स, pH वैल्यू, एसिड बेस में भी मैं इसके क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा लिंक कर दिया है तो मैं बता देता हूँ कि अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वो बेस होता है, अगर pH वैल्यू 7 से कम हो तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या बन रहा है, ये है एक बेसिक बन रहा है, बेसिक सॉल्यूशन, OH है ना, OH आयन रिलीज होता है बेस में, तो बेसिक नेचर का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा गया है, ज़रा देखना कि pH वैल्यू रिजल्टिंग मोर देन 7, मोर देन 7 बेस होता है, ये भी बेस है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, करेक्ट है। फिर लास्ट में रिजल्टिंग सॉल्यूशन लेस देन 7, ये गलत हो गया। तो आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 और 3, तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नेक्स्ट रहा, अब आइए जरा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉरी। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे प्रिसिपिटेट भी बन सकता है, ओके,
ये तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, प्रिसिपिटेट। इसको सेटल डाउन भी कर सकते हैं, आपको पता है आप लोग सब्लिमेशन रिएक्शन किए हो तो उसे सेटल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, रहा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्या है। बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर क्या होगा बताइए। तो आप क्या बोलोगे, जब H2O को करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो H प्लस और ओ माइनस टू, तो आप जरा बताओ कि कितने मोल, तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, कितने टूटेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल पूछ रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 मोल ऑफ कितने मोल हो जाएंगे बताओ, 2:1, ठीक है, 2:1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और 2 मोल क्या है हाइड्रोजन, 1 मोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्स ने, यहाँ पे 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 बैलेंस कर देंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है ये, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग, तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा बताइए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, दूसरा ऑप्शन क्या है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर, और तीसरा चौथा ऑप्शन है इवोपरेशन ऑफ वाटर, बताइए कौन सा करेक्ट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, तो कौन कौन से करेक्ट हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 2 सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन हो रहा है मतलब हीट को ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, तो सब्लिमेटर सब्लिमेशन ये हो जाएगा। डाइल्यूट आप याद रखना, जब भी डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो यहाँ से हीट रिलीज होगा, और ख़ास करके एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, एसिडिक नेचर का होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, सब्लिमेशन जब करेंगे, सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन सब्लिमेशन जब भी आएगा तो याद रखना इसको रिक्वायर्ड होती है हाई हीट की, हाई हीट है ना, ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है इसको, तो नीड होती है ना, एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कंडेंस ऑफ वाटर, तो दूसरा नंबर इसका, ये पहला गलत दूसरा करेक्ट है, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्प्शन होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में हीट रिलीज होता है, कंडेंस हीट रिलीज मतलब, हीट रिलीज मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझना आप, मैंने बोला कि ये मेरे पास वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये, और वेपर मॉलिक्यूल्स जब भी हैं तो वेपर के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से हीट रिलीज होगा तभी तो ये क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंस होके पानी बन जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट इसका मतलब रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक हो गया, तो ये दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक है, पहला तीसरा एक्सोथर्मिक, और दूसरा और चौथा ये हो गया एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो आपका कौन सा होगा, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज स्टोरेज इन सैंपल ऑयल इन लॉन्ग टाइम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टोरेज इन लॉन्ग टाइम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोर फ्रीज, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा, आप देखिए सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है कि ऑयल युक्त जो भी होते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हो चिप्स के पैकेट वगैरह देखे हो ना, तो याद रखना उसी, तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, ठंडा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन नहीं होगा, इसका कॉम्बिनेशन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम पैकेट में नहीं भर सकते हैं, नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक और याद रखना, CO2 कहाँ गया, याद रखना आप CO2, CO2 को याद करेंगे ड्राई आइस भी कहा जाता है, ड्राई आइस, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड गैस भी बोलते हैं, कंप्रेस गैस, याद रखना गैस भी, कंप्रेस गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी जिसमें ये लिखा है क्या, पोटेशियम क्लोरेट प्लस हीट, हीट कैटलिस्ट का यूज़ किया है, ये एक्चुअल में रिएक्शन ऐसा है, देखना ज़रा फिर से मैं लिख देता हूँ कि अगर 2KClO3 यहाँ पे है हीट और यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलिस्ट, ठीक है, बनता क्या है 2KCl+3O2, ठीक है ये बना। अब मुझे ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, डिकम्पोजिशन तो है, क्या एंडोथर्मिक है बताइए, डिकम्पोजिशन है लेकिन एंडोथर्मिक है, बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेरे को सबसे पहले डिकम्पोजिशन तो होगा क्योंकि ये देखिए सबसे पहले डिकम्पोजिशन की पहचान तो यही है, डिकम्पोजिशन की पहचान क्या है कि ये सिंगल है, सिंगल स्प्लिट हो गया किसमें, दो सब्सटेंस में बस, तो डिकम्पोजिशन करेक्ट हो गया। और एंडोथर्मिक यानी याद रखना डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक होता है क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक होता है, तो याद रखना आपको ये हो जाएगा क्या एंडोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्या होता है एक्सोथर्मिक। तो दो चीजें सीख लिया आपने, एंडोथर्मिक कौन सा होता है डिकम्पोजिशन और एक्सोथर्मिक कौन हुआ कॉम्बिनेशन। अच्छा एक्सोथर्मिक का एक और बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन भी क्या है आपका एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग ये देखो, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। अब आपको मैंने बता रखा है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको सारे ऑप्शन वाले नहीं है, इसमें आपको सबको बताना है, सबके सामने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक लिखना है, ठीक है ना, कौन एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। तो आप इसको करना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, कमेंट आंसर, ठीक है ना, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, आंसर को, आंसर कमेंट करेंगे आप, ठीक है ना, ये आपका टास्क रहेगा। और पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है ना। और से नेक्स्ट नेक्स्ट जो आने वाला है आपका MCQ, जो वो मैं लाऊंगा किसका, एसिड एंड बेस का, ठीक है ना, मंडे को वो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। आप याद रखना मैं कब कब अपलोड करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप याद रखना MWF, ये जो 3 डे हैं इन्हीं दिनों में आपकी 10th क्लास के सारे साइंस के पहले अपलोड करूँगा, फिर मैथ्स का कर दूँगा, ठीक है ना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।